नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं। आप किसी भी बिगड़ते हुए रिलेशनशिप को यदि बचाना चाहते हैं, किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, काफी दूर चला गया है आपसे, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप ये रेमेडी करेंगे और आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। देखिए, पानी से आप किसी का वशीकरण करेंगे, आप कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल पूरा अगर आपको देखना है, इसका प्रूफ आपको देखना है, तो आप एक काम करिए, गूगल सर्च करिए वाटर एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मिसारो म्योतो। आप गूगल में सर्च कर लीजिए। अगर मैं पूरी डिटेल से यहां आपको बताता हूं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। पानी के जरिए हम हर चीज, जरूरी नहीं किसी इंसान को, हम धन, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और पानी के जरिए हम अचूक वशीकरण कर सकते हैं। पानी जो है एक जीवित तत्व है, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं। साइंस ने इस बात का मतलब कि प्रूफ दिया है कि पेड़ हमें सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो पानी जो है इसमें एक मेमोरी है, ठीक है, और ये मेमोरी जो होती है एक एनर्जी होती है। तो मैं पानी का आपको एक इतना जबरदस्त रेमेडी दे रहा हूं कि जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपको इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलेगा और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, लेकिन वशीकरण अगर किसी का कर रहे हैं तो एक कंडीशन आती है कि जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है या कोई तांत्रिक क्रिया है या कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, तो उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है जब तक उस चीज को उसके ऊपर से रिमूव ना किया जाए, क्योंकि वो चीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और आप यदि किसी व्यक्ति पर काफी टाइम से वशीकरण कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई तांत्रिक क्रिया है। ऐसी कंडीशन में यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, तो आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, जिसका रिजल्ट आप 7 डेज, 11 डेज या 21 डेज में साफ साफ देख पाएंगे। और एक चीज में हर वीडियो में आपको अलर्ट करता हूं कि आजकल बहुत फ्रॉड केस हो रहे हैं, लोग ठगी में फंस रहे हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि एक दिन में, 3 घंटे में, 3 दिन में किसी का वशीकरण करके दे रहे हैं, तो समझ जाइए ऐसे लोग फ्रॉड हैं, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं, इसका जो रूल्स होता है 11 डेज या 21 डेज में कंप्लीट होती हैं। किसी के दिमाग को चेंज करना ये बहुत जटिल क्रिया होती है, बच्चों का खेल नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और ठग लोगों से दूर रहें, ठीक है। ऐसे लोग अगर कोई बोले कि एक दिन में, 3 दिन में आपको विधि करके दे रहे हैं, तो बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, ऐसे लोग फ्रॉड हैं, जिनको एबीसी भी नहीं पता होती है। ऐसे लोग भी आजकल तांत्रिक क्रिया करके बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल सावधान रहें, ठीक है। और आज की जो मैं जानकारी दे रहा हूं, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको एक कांच या फिर स्टील। कांच करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, कांच का कोई पात्र ले लें, और थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ेगी गुलाब जल की, ठीक है। अगर कांच का नहीं है तो स्टील का भी ले सकते हैं, लोहे का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक यूज ना करें। और पानी का ये जो वशीकरण करेंगे आप सोमवार के दिन में करेंगे, रात्रि में अगर 11 से 1 के बीच में करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा आप 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन 11 से 1 का जो टाइम होता है ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस समय समझ लीजिए कि प्रकृति अपनी एनर्जी को जनरेट कर रही होती है, और इसी समय का आपको फायदा उठाना है। इस समय यदि आपने प्रयोग किया तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, कर्ज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, घर में ग्रह कलेश जाता है, पति पत्नी में अनबन है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो आप करेंट फोटो से फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी आपकी समस्या है उसका सटीक समाधान आपको दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आपको 7/11/21 दिन में साफ साफ दिखाई देगा। तो किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर ये विधि मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के, छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर आपको अपना नंबर देता है तो प्लीज उसमें कॉल ना करें। अगर वहां पर जाकर आप कॉन्टेक्ट करते हैं, कुछ भी पे करते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे।
मेरा नंबर आपको स्क्रीन में या चैनल के अबाउट सेक्शन में ही मिलेगा। कमेंट बॉक्स में मैं किसी को अपना नंबर शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में कोई भी अगर आपको अपना नंबर देता है वहां पर बिल्कुल भी कॉन्टेक्ट ना करें, ठीक है? तो करना क्या है आपको, एक लोटे में शुद्ध जल आपको लेना है, सोमवार की रात्रि इस प्रयोग को करना है, शुद्ध तन मन के साथ में करना है। जिस दिन प्रयोग करेंगे नॉनवेज ड्रिंक अल्कोहल अवॉइड करेंगे, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके प्रयोग करना है, सामने एक बाजू और पटरा लगा लें और गुप्त तरीके से, कोई आपको रोके टोके ना, और एकदम पॉजिटिव होकर के, जरा सी भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल पॉजिटिव होकर के रिलैक्स होकर इस प्रयोग को करना है। एक पट्टा लगाएंगे बाजू और सामने, उसमें कांच का यदि ग्लास है तो कांच में, या फिर लोहे का स्टील का एक पात्र ले लें, शुद्ध जल भर लें और गिन करके 9 बूंद गुलाब जल की उसमें डाल देना है। आपको बूंद डालनी है, ठीक है? 9 बूंद आप गुलाब जल की उसमें डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, 5 मिनट का आपको अलार्म लगा लेना है। अब नीचे आपको क्या करना है, सामने आपने पात्र रखा हुआ है, उसमें आपको अपना चेहरा देखना है, ठीक है? आपको अपना चेहरा पानी में देखना है, 5 मिनट तक कंटिन्यू देखना है। इसलिए बोल रहा हूं कि किसी की रोक टोक ना हो, एकांत में इस प्रयोग को आपको करना है, ठीक है? 5 मिनट तक जब चेहरा देख लेते हैं तो आपको क्या करना है, जिस भी व्यक्ति का आप वशीकरण कर रहे हैं, जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं, उसका नाम आपको 21 बार बोलना है। और नाम लेकर के जब 21 बार आप नाम ले लेते हैं तो उसके बाद में जो भी आपकी मनोकामना है, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, मुझे कॉल करो, जो भी आपकी मनोकामना है, तुम जल्दी आओ, इस तरीके से जो भी आप बोलना चाहें वो चीज आपको अफर्मेशन उस पानी को देख करके बोल देना है। और ये पानी उठा करके जब सोने जाने लगते हैं, अगर बेड में सोते हैं तो सिर के नीचे रख लें या सिर के पीछे रख लें, ठीक है? अब ये पानी आपका रात भर रखे रहेगा, ढक करके इसको रख दें। सुबह जब आप उठते हैं तो फिर से अपना थोड़ा सा चेहरा देखें, 11 बार उस व्यक्ति का नाम लें और उसके बाद में वो अफर्मेशन बोलें कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, ये जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं, और इस पानी को आपको पी लेना है। ये पानी आप, ये प्रयोग आप 3 सोमवार कंटिन्यू करेंगे। सोमवार किया, फिर नेक्स्ट सोमवार किया, फिर नेक्स्ट सोमवार किया। आपको हो सकता है कि नेक्स्ट, जैसे आपने फर्स्ट सोमवार किया, नेक्स्ट में आपको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन रिजल्ट मिलने के बाद भी आपको 3 सोमवार इसको कंप्लीट करने ही करने हैं। आप चाहते हैं इसका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो तो आपको 3 सोमवार इसको कंटिन्यूसली करने हैं। और पूरी श्रद्धा विश्वास से जब ये प्रयोग कर रहे होंगे तो उस समय कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वही चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी, वही एनर्जी फ्लो हो जाएगी। तो एकदम पॉजिटिव होकर के, बिल्कुल आपको रिलैक्स होकर के एकदम पॉजिटिव कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, जिस व्यक्ति को आप कर रहे हैं वो आपके अनुकूल हो रहा है, आपके पास आ रहा है, उन चीजों को विजुलाइज करते जाएंगे। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आया, समझ लीजिए कि आपका वही चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आपको क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं, एकदम पॉजिटिव होकर के करना है, शुद्ध तन मन के साथ में करना है, पूरे विश्वास के साथ में करना है। जैसा कि मैंने बताया, जिस व्यक्ति का पहले से वशीकरण है, कोई तांत्रिक प्रोटेक्शन है, कोई तांत्रिक क्रिया है, उस पर कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करती है जब तक उसके ऊपर से उस चीज को रिमूव ना किया जाए, क्योंकि वो चीज को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ऐसी कंडीशन में यदि आप लोग काफी विधियां ट्राई कर चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मुझसे विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको 100% वर्क करने वाली विधि करके दी जाएगी, क्योंकि रुद्र मेडिटेशन की तरफ से कोई भी फ्रॉड वाले वर्क नहीं होते हैं। आप लोगों की हेल्प लिए चैनल बना है, ये चैनल बनाया गया है, तो आप लोग यदि हेल्प चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। आप लोग कमेंट्स करते हैं जय श्री कृष्णा जय श्री काली, तो मैं कमेंट्स देकर आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं, ताकि आप रेमेडी करेंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छा आएगा। तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखा करें, ठीक है? और आपको ऐसा लगता है कि किसी को इस जानकारी की नीड है, जरूरत है, तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे, जिनको लाभ मिलेगा तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स देंगे। अब मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, मेरे द्वारा दी जानकारी से इस रेमेडी को जब आप करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आप मुझे ब्लेसिंग्स देंगे। तो आप लोग भी दूसरों को शेयर करिए और लोगों की ब्लेसिंग्स मिलेगी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है? और मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं तो कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है? आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली, ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।